अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी जी, सुबह की 11 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं फैक्ट्री में आई हुई हूँ। और जो मैंने आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, अगर आप लोगों ने मेरा पेज फॉलो किया हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा स्मॉल बिजनेस है। उसकी मेकिंग, डिजाइनिंग, बॉक्सेस सब कुछ जो है मैं खुद ही करती हूँ। तो फिलहाल जो है मैं अभी इसके बॉक्सेस जो है वो लॉन्च करने लगी हूँ। उसी के लिए डिजाइनिंग और उसकी मेकिंग जो है बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ये सारे काम करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया करते हुए। जो है वो वेडिंग सीजन चल रहा था जिसकी वजह से मेरा काम ज़्यादा डिले हो गया, लेकिन अब जो है वो फाइनल टचेस हैं। यहाँ पे मैं डिज़ाइन जो है वो सेलेक्ट कर रही हूँ। अब कस्टम डिज़ाइन जो है वो मैंने बनवाए हैं अपनी ही मर्ज़ी से, बॉक्सेस जो है वो बनवा के फिर वो लॉन्च होंगे इंशाल्लाह। फिर मैं आप लोगों के साथ पेज पे शेयर करूँगी, यहाँ पे भी शेयर करूँगी। तो बस अभी मैं उसी के लिए जो है वो सुबह से यहाँ पर आई हुई हूँ और काफ़ी टाइम हो गया। और पिंक कलर जो है ना वो मुझे पिंक फाइनल में करते हैं। आप तो खैर ये काम फाइनल होगा तो इंशाल्लाह जो है वो आगे जैसे जैसे प्रोसीजर गुजरता जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी और आप लोग भी फॉलो कीजिएगा। जब आप अपना कोई भी स्मॉल बिजनेस शुरू करते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या अपनी सेलिंग करनी होती है, कुछ भी करना होता है, तो आपको जब एंटर होते हैं तो पता लगता है कि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर चीज़ को फोकस करना पड़ता है कि एक पॉइंट यहाँ से इधर उससे उधर ना हो जाए, तो जिसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हम भी कोई प्रोडक्ट जब बाय करते हैं तो हमें तो जस्ट प्रोडक्ट नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके पीछे की मेकिंग, डिज़ाइनिंग, एफर्ट बहुत कुछ होता है जो हम लोग जो है वो फील नहीं कर पाते। और अगर आप जब तक उसके अंदर एंटर नहीं होते, आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि क्या कुछ जो है वो एक प्रोडक्ट मेकर को या बिजनेस ऑनर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, आपको बहुत जो है वो एफर्ट करनी पड़ती है, फिर जाके आप एक प्रोडक्ट जो है वो क्वान्टिटी, क्वालिटी जो जैसा आप चाहते हैं फिर लॉन्च होता है। काफ़ी टाइम जो है वो फैक्ट्री में ही स्पेंड हो गया, तो उसके बाद मैं घर आ गई थी वापस। और अभी हम लोग दोबारा जा रहे हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, उसको कंप्लीट करना है, तो चलें अभी चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं फोर्ट्रेस केयर। मौसम जो है वो बहुत अच्छा हुआ, सर्दी तो आपको पता चल ही रही है, लेकिन मौसम जो है वो अच्छा हुआ। Trees to prostrate to him, and the heaven he raised it high, and he made the balance that you may not be in order. हम जी आ गए हैं यहाँ शॉप्स पे और वन बाय वन जो है वो हम शॉप्स देख रहे हैं, तो चलें देखते हैं जो पसंद आता है उसको बाय करेंगे। और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। साथ साथ यहाँ पे सर्दियों के, विंटर के जो ड्रेसेस हैं वो बहुत अच्छे आए हुए थे। अगर आप फोर्ट्रेस स्क्वायर से शॉपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर स्टिच ड्रेसेस मिलते हैं, हर साइज़ अवेलेबल होता है, हर तरह के ड्रेसेज होते हैं, फैंसी, फॉर्मल, नॉर्मल, हर तरह के ड्रेसेज आपको यहाँ से मिलते हैं। और यहाँ पर खदर के प्रिंट्स बहुत अच्छे आए हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर चलें देखते हैं हम लोगों को क्या पसंद आता है, क्या फ़ाइनल होता है। Herbs and the trees to prostrate to him, and the heaven he raised it high, and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth he has set it for living. ये finally dresses जो है वो select हो गए हैं और बस अभी payment करते हैं और फिर चलते हैं आगे। शॉपिंग करने के बाद थोड़ा सा खाना पीना तो चलता ही रहता है, तो बस अभी यहाँ पे हम लोग ये ले रहे हैं चिप्स वगैरह, तो ये ले करते हैं अपनी शॉपिंग कंटिन्यू। And the heaven he raised it high, and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth he has set it for living creatures. Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi,
तो जी शॉपिंग हो गई है हमारी कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं आगे एक दो छोटे मोटे काम है उनको कंप्लीट करने, तो चले चलते हैं। You may not be inordinate in respect of measure, and the earth is shredded for living creatures. That you may not be inordinate in respect of measure, and the earth he has set it for living creatures. Oh Allah, Lord of East and him and the heaven he raised it high.
high and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure and the earth he has set it for living creatures. Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya to prostrate to him and the heaven he raised it high and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure and the earth he has set it for living creatures. Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya to prostrate to him and the heaven he raised it high and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure and the earth he has set it for living creatures. Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya. अभी जी आलमोस्ट रात के 8:30 हो रहे हैं और हम लोग फिर से बाहर निकल चुके हैं। अच्छा, दरमियान की क्लिप्स जो है वो मैं रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। तो खैर, अभी जो है आज का दिन जो है हमारा सारा बाहर ही स्पेंड हो गया है, कुछ काम कंप्लीट करने थे, कुछ एक्सप्लोर करने में, और अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए। तो जहाँ हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं वो आप लोग पहले भी मेरे व्लॉग्स में देख चुके होंगे काफ़ी जगह। जब मैं जाऊँगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा। और जी मौसम भी बहुत मज़ेदार हुआ है, शाम जैसी होती है सर्दी जो है वो बढ़ जाती है। तो फोक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ख़त्म हुई भी है, लेकिन सर्दी काफ़ी है। तो चलें जी चलते हैं और मैं वहाँ पहुँच के आप लोगों से मिलती हूँ। Trees to prostrate to him and the heaven he raised it. हम लोग आ गए हैं जी गोगो रेस्टोरेंट और यहाँ पे हम लोग बहुत आते हैं शुरू से। और जी यहाँ भी इन्वर्टर्स वगैरह ऑन हुए हुए थे इसलिए अंदर जो है बिल्कुल भी सर्दी का पता नहीं चल रहा, इसलिए अंदर काफ़ी रिलैक्स वेदर हुआ हुआ है। तो चलें जी बैठते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने क्या मंगवाना है, ऑर्डर देते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूँगी। अभी जी जुरेज और मैं बाहर दोबारा आ गए हैं क्योंकि जुरेज की वाटर बॉटल जो है वो कार में रह गई थी, तो वो लेने हम आए हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले हम लोगों ने सूप ऑर्डर किया था और हमने उसको एंजॉय किया। और जी अब जो है वो मेन कोर्स सर्व हो रहा है। Trees to prostrate to him and the heaven he raised it high and he made the balance that you may not be inordinate in respect of. तो चलें जी डिनर जो है वो सर्व हो चुका और अभी यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि व्लॉगिंग जो है वो भी मुश्किल हो जाती है जुरेज के साथ, उसको भी खिलाना है, खुद भी खाना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टास्क। तो चलें जी मैं खाना शुरू करती हूँ और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लिप में। हाँ जी
आज ही डिनर करके हम लोग हो चुके हैं फ्री और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है ग्रीन टी। वैसे तो मुझे इतनी पसंद नहीं है लेकिन विंटर्स में ग्रीन टी बहुत चलती है, तो चलें चलते हैं ग्रीन टी पीने। यहाँ पे जो लक्ष्मी चौक की मज़ेदार सी ग्रीन टी जो है वो हम लोग ने इंजॉय की और उसके बाद हम लोग आज वापस जा रहे हैं घर की तरफ। अच्छा, घर आने के बाद मेरे पास जो है वो पार्सल पड़ा हुआ था, मुझे दराज के पार्सल जो मैंने ऑर्डर किए थे वो आहिस्ता आहिस्ता रिसीव हो रहे थे, तो मुझे सुबह से टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसकी जो है वो वीडियो शेयर करती। अच्छा जी, अभी यहाँ पे मैं इसका क्लिप जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये मैंने सॉक्स के जो है वो सेट ऑर्डर किए थे और ये देखिए 500 रुपीज़ में, डिलीवरी चार्जेस डाल के 600 रुपीज़ में जो है वो मुझे ये 6 सेट जो है वो रिसीव हुए हैं और ये काफ़ी अच्छे और कम्फर्टेबल लग रहे हैं और कलर्स भी काफ़ी डिसेंट है, तो ये एक पार्सल जो है वो मुझे और रिसीव हो गया। मैंने निकाल के पहन भी लिया था और काफ़ी कम्फर्टेबल और अच्छे कलर, डिसेंट कलर्स हैं। तो जी, आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जी, मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट मज़ेदार व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।